जय हिंद दोस्तों। तो आप सब कैसे हैं? तो आशा करते हैं आप लोग अपने घरों में मस्त और खुश होंगे। तो दोस्तों आज मैं पटना में मौजूद हूं और पटना का ऐतिहासिक मंदिर महावीर मंदिर घूमने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी हमारे साथ महावीर मंदिर घूमना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों आप पटना के महावीर मंदिर के महत्व का अंदाज़ा यहाँ के भीड़ को देखकर लगा सकते हैं। आप सामने में देख रहे होंगे कि हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आए हुए हैं और इसी तरह से प्रतिदिन जो है वो हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आते हैं। दोस्तों ये मंदिर के बाहर का परिसर है जहाँ पे जूता चप्पल रखने की व्यवस्था है, यानी आप निःशुल्क यहाँ पे जूता चप्पल रख सकते हैं और मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। सामने में नल बना हुआ है जहाँ पे आप जाकर पैर हाथ धो सकते हैं, उसके बाद ही जो है आप इस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। दोस्तों आप जैसा भीड़ अभी देख रहे हैं इसी तरह का भीड़ जो है यहाँ पे प्रतिदिन बना रहता है। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ काउंटर्स बने हुए हैं और इन काउंटर्स में आप पुष्प माला ले सकते हैं, मतलब हनुमान जी को चढ़ाने के लिए आप फूल ले सकते हैं। और इसके जस्ट थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे लड्डू के काउंटर्स बने हुए हैं और यहाँ के लड्डू जो है वो काफ़ी फेमस हैं और काफ़ी स्वादिष्ट भी होते हैं। तो आप चढ़ाने के लिए इस काउंटर से जो है आप लड्डू ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये मंदिर के अंदर का प्रांगण है जहाँ से आप इस मंदिर की भव्यता को देख सकते हैं। इसके चारों तरफ जो है इसकी सुंदरता वाकई में काफ़ी आकर्षक है। ये निकास द्वार है यहाँ पे और आप देख सकते हैं हज़ारों श्रद्धालु जो हैं वो मंदिर में पूजा अर्चना के लिए कतारबद्ध खड़े हैं और एक एक करके धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से प्रतिदिन जो है वो हज़ारों श्रद्धालु जो है यहाँ पे कतार से पूजा अर्चना करते हैं और उन कितनी भी श्रद्धालु को जो है वो पूजा अर्चना करने में किसी भी तरह की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे प्रशासन की भी व्यवस्था है और पूजा अर्चना की जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है। तो आप देख सकते हैं यह मंदिर की भव्यता। अगर दोस्तों इस मंदिर की बात की जाए तो बिहार के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है और यह मंदिर जो है वो पटना स्टेशन के ठीक समीप है, यानी आप अगर यहाँ पे आते हैं तो पटना स्टेशन पहुँचिए। पटना स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो ये मंदिर आपको दिखाई देगा जहाँ पे हज़ारों की संख्या में भीड़ भी आपको नज़र आएगी। तो दोस्तों आप लोगों की तीव्र इच्छा होगी हनुमान जी के दर्शन करने की, तो चलिए हम आप लोगों को हनुमान जी का दर्शन कराते हैं और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। दोस्तों आप लोग जी ये जो प्रवेश द्वार देख पा रहे हैं यह मुख्य मंदिर का प्रवेश द्वार है और यहीं से हम लोग मुख्य मंदिर में प्रवेश करते हैं। तो चलिए सभी लोग कतारबद्ध तरीके से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम लोग भी कतारबद्ध तरीके से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं और हनुमान जी का दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं ताकि अगर हमारे जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या आए तो हनुमान जी हमें उन समस्याओं से लड़ने की ताकत दे, उन समस्याओं के समाधान करने में हम लोगों की मदद करें। तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उनका दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आप लोग हनुमान जी का दर्शन कर पा रहे होंगे, सामने में आप लोग देख पा रहे होंगे हनुमान जी प्रतिमा। चलिए आप लोग भी आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए हमारे साथ साथ। दोस्तों देश में यह एकमात्र मंदिर है जिसमें हनुमान जी के दो विग्रह हैं जो आप सामने में देख पा रहे हैं और इसी तरह जो भीड़ आप देख पा रहे हैं इसी तरह की भीड़ जो यह प्रतिदिन रहती है, हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं महावीर मंदिर में पूजा अर्चना के लिए प्रतिदिन आते रहते हैं। तो दोस्तों इस मंदिर में हनुमान जी के अलावा भी बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। तो चलिए हम लोग धीरे धीरे उन देवी देवताओं की मूर्तियों को देखते हैं और उनका Bye.
साथ पटना शहर का भी नज़ारे को देखते हैं और सामने में जो पटना स्टेशन बना है उसकी भी खूबसूरती को देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप सब सामने में देख पा रहे हैं ये पटना स्टेशन का खूबसूरत नज़ारा और उसके चारों तरफ जो मार्केट है मंदिर के सामने, तो उसका भी आप खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। तो दोस्तों आप पटना के रेलवे स्टेशन के खूबसूरत नज़ारे को देख पा रहे होंगे जिसे कभी बांकीपुर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता था। और यह जो मंदिर है वो रेलवे स्टेशन के ठीक सामने में ही है, यानी हम कह सकते हैं कि रेलवे स्टेशन का जो परिसर है उस परिसर पे ही यह जो है मंदिर बना हुआ है। और ये ऊपरी तल्ला है जहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊपरी तल्ला में भी काफ़ी भीड़ भाड़ है, लोग जो हैं वो भजन कीर्तन कर रहे हैं, अपना ध्यान लगा रहे हैं और अपने मन को शांत और चित कर रहे हैं। तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे देवी देवताओं को स्थापित किया गया है, तो हम लोग उन देवी देवताओं का भी दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं ताकि हमारा जीवन जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे।
और आप इस मंदिर के प्रांगण की खूबसूरती को भी देख पा रहे हैं कि यहाँ की साफ़ सफाई और यहाँ की जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी है। इतने भीड़ भाड़ के बावजूद भी जो है वो लोग बहुत अच्छी तरीके से जो है वो पूजा अर्चना कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप सबों को यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों को टाटा बाय बाय।